मेरठ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ों का दौर जारी है। आज एक बार फिर पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ हो गई। इस दौरान दो बदमाशों को पुलिस की गोली लग गई और वो गिर पड़े, जिन्हें पुलिस ने कस्टडी में लेकर अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस ने बदमाशों के पास से पुलिस के फर्जी आई कार्ड, तमंचा, कारतूस और मोटरसाइकिल बरामद की है। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि ये दोनों ही शातिर अपराधी हैं, जो मेरठ और आसपास के जनपदों में लूट, छिनौती, चोरी आदि की घटनाओं को अंजाम देते हैं। साथ ही ये पुलिस और आयकर विभाग के नाम के फर्जी आई कार्ड रखकर लोगों पर रौब दिखाकर उनसे मोटा पैसा ऐंठते थे। इनके पास से बहुत सारे पुलिस के फर्जी आई कार्ड बरामद हुए हैं। देखिए, आज सदर थाना क्षेत्र में सघन चेकिंग चल रही थी और उसी के दौरान कुछ बदमाश को रोका गया पुलिस के द्वारा। वो भागे और भागने के बाद उन लोगों ने पुलिस पर फायरिंग करी और फायरिंग करने के बाद पुलिस ने भी अपनी आत्मरक्षार्थ जवाबी कार्रवाई करी और जवाबी कार्रवाई में दो बदमाश घायल हुए और एक अरेस्ट हुआ, वो भी काफ़ी कॉम्बिंग के बाद वो अरेस्ट हुआ है। और इनके कब्जे से कुछ पुलिस के आइडेंटिटी कार्ड्स वगैरह बरामद हुए हैं और बाकी जब घायलों को तत्काल वहाँ से हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया, हॉस्पिटल जाने के बाद इनसे पूछताछ की गई, रास्ते में पूछताछ की गई। इन लोगों ने बताया कि ये जनरली अपराध करते हैं और अपराध का जो मोडस ऑपरेंडी है यही है कि ये अपने आप को पुलिस वाला बताकर और अपराध करते हैं, ठगी भी करते हैं और उसके साथ साथ जब ठगी करने में सफल नहीं होते तो ये लूट भी कर लेते हैं। तो इस तरह की कुछ वारदातें हमारे यहाँ भी हुई हैं और आसपास के जनपदों में भी इन लोगों ने इस तरह की वारदातें की हैं। इनके कब्जे से कुछ लूटे हुए आइटम्स बरामद हुए हैं और कुछ ऐसे कागजात बरामद हुए हैं जो ये इंगित करता है कि ये लोगों को पुलिस वाला अपने आप को बता करके ठगी भी करते थे और लूटते भी थे।